तो क्या आप बता सकते हो क्या है? जी हाँ दोस्तों, मेरे यहाँ पर इसको सींगरी कहा जाता है। इसकी सब्जी भी बनती है और इसको सैलेड के रूप में डायरेक्ट भी खाया जाता है। बहुत टेस्टी और बहुत पौष्टिक होती है ये। तो चलिए हम बता देते हैं कहाँ से हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कुछ व्हाइट कलर के फ्लावर्स है, इस तरीके के स्टॉक्स निकले हुए हैं और इनमें व्हाइट कलर के फ्लावर आ रहे हैं और फ्लावर के अंदर बन रहे हैं पोलिनेशन होने के बाद इस तरीके के छोटे छोटे सीड पॉट। ये सीड पॉट जब मैच्योर होते हैं तो उसमें इस तरीके की फलियां बनती है। इन्हीं फलियों को हम सींगरी कहते हैं। इनको डायरेक्ट हम खा सकते हैं अपने सैलेड के साथ, या फिर इनकी सब्जी बना सकते हैं, या पक जाने के बाद इनके अंदर से बीज निकलते हैं जिसको हम नेक्स्ट सीजन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो है ना, आम के आम गुठलियों के दाम। पहले मूली खाओ, फिर उसके पत्तों की भाजी खाओ, फिर उसके अंदर से सींगरी हार्वेस्ट करो, और सींगरी जब पक जाए तो उनसे बीज निकालो।